नमस्ते दोस्तों, आपने मुझे पहले भी कई वीडियो में यहाँ बैठ के चाय पीते हुए देखा होगा, पर आज मैं जो पी रही हूँ ये डिटॉक्स वाटर है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत तरह के हेल्थ इशू को ये दूर करता है। ये शरीर को हाइड्रेट करता है, शरीर में बढ़ते हुए टॉक्सिक को ये कंट्रोल करता है। रेगुलर यदि आप इसे पीते हैं तो इससे आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी दिखेगी और ये डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है और वजन को भी तेजी से ये कम करता है। मैं डिटॉक्स वाटर को कैसे बनाई ये चलिए आपको बताते हैं। एक जग पानी में मैंने एक चम्मच चिया सीड को मिला लिया, पुदीना की कुछ पत्ती को भी मैंने मिला दिया और आधा नींबू का रस मैंने उसमें डाला। थोड़ा अच्छा फ्लेवर के लिए मैंने गुलाब जल डाला। सब ऑप्शनल है, आपके पास कुछ हो तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ढक के रात भर के लिए छोड़ दूंगी। सुबह मैं एक कप, बड़े कप में उसे निकाल के खाली पेट में सुबह सुबह पी ली। उसमें मैं मिलाई आधे चम्मच हनी की, जिससे इसका टेस्ट और अच्छा हो गया। और आज लंच में बनाने वाली हूँ मैं बहुत ही नए तरीके से मशरूम की सब्जी। चलिए इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मशरूम को अच्छे से धो के चार टुकड़ों में मैंने काटा है, टुकड़ा कुछ बड़ा बड़ा है। और ली है थोड़ी सी कड़ी पत्ता, कुछ हरी मिर्च जिसे मैंने स्लाइस में काटा है और थोड़ी सी अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, बारीक प्याज काट के मैंने रखा है। और इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट चाहिए वो है कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क मैंने कैसे बनाया है, जो बिल्कुल ताज़ा कोकोनट होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो उसकी दूध खुद ब खुद अलग हो गई। उसे बारीक छन्ने से छाँक के निकाल के रख लिया है। इसी से ये सब्जी बनने वाली है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इसे आप यदि कोकोनट ऑयल में बनाएं तो और अच्छा, पर हम लोग कोकोनट ऑयल नहीं खाते हैं इसलिए मैं इसे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के लिए उसमें डाल दी थोड़ी सी राई, सरसों भी चटकते ही उसमें मैं डाल दी, थोड़ा सा हींग, हरी मिर्च जिसे मैंने लंबे लंबे आकार में काटा था, कड़ी पत्ता और कद्दूकस किया हुआ अदरक। फिर उसमें डाल दी प्याज, प्याज को हल्का भूनने के बाद ही उसमें मैं डाल दी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ताकि प्याज गल जाए। ऊपर से मैं डाल दी मशरूम को और हल्का सा नमक डाल के मशरूम को छोड़ दूंगी ताकि मशरूम भी पानी छोड़ दे। साथ में कुछ और भी पौधे थे जो कुछ इधर उधर बिगड़ रहे थे, तो सोचा आज चलो इस पे ही कुछ काम किया जाए। तो इन सब की कटिंग खुदाई करनी बहुत ज़रूरी थी, तो आज मैं इन्हीं सब काम में लगी हुई थी। सबसे पहले मैंने अरेका पाम की मिट्टी को खोद के हल्का किया और मुझे इसकी मिट्टी को चेंज करके देखना था कि इसके नीचे कहीं कीड़ा तो नहीं लग गया या सूख तो नहीं रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी मिट्टी को मैं ऊपर से खोद के थोड़ा निकाल के बाहर रख दे रही हूँ। प्लास्टिक की बोरी में मैंने इसके ऊपर की सारी मिट्टी को बाहर निकाल दिया। लगभग आधा गमला मिट्टी में इसका निकाल चुकी थी और मुझे देखना भी था कि भाई इसके अंदर की मिट्टी में कीड़ा तो नहीं लग गया, पर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। शायद नीचे मिट्टी में कड़क हो रही थी और ये सब पत्ता पुराना हो गया था, इस वजह से ये सूख रही थी। तो जितने भी इसके मुख्य पत्ते थे उन सबको मैंने काट लिया और एक एक करके इसकी पत्तियों के जो सूखे पत्ते थे उसको भी मैंने थोड़ा ट्रायंगल शेप में काट के अलग कर दिया कि टाइम टू टाइम इसकी कटिंग होनी भी जरूरी रहती है। सूखे पत्ते की टाइम टू टाइम कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, इससे पेड़ की खूबसूरती में भी कमी आ जाती है। तो इसके लिए मैंने जितने सूखे पत्ते थे पहले सबको काट के अलग कर दिया। अब आई इसमें खाद डालने की बारी। यूँ तो मैं जनरली ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करती हूँ, पर आज मेरे पास ये खाद पहले से कुछ कटा हुआ था तो सोची चलो इसको भी डाल देती हूँ। तो जड़ के पास मैंने एक बार खाद डाल दिया। अब जितनी भी मिट्टी मैंने निकाली हुई थी उनको फिर से अरेका पाम में भर दिया। आज मैंने जितने भी गमले लगाए हुए हैं सबके पौधों को मैंने आज ठीक किया है। ये बहुत पतले स्टेम
ये बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, जैसे जैसे फैल रही है। तो इसे इसकी कटिंग मैंने नहीं किया, बस इसकी मिट्टी को हल्का करके उसमें थोड़ा खाद डाल दी। और एक स्नेक प्लांट से मैंने कितना सारा स्नेक प्लांट बना लिया है, छोटे छोटे पॉट में ट्रांसफ़र करके उसको मैंने अलग अलग जगह लगा लिया है। और कुछ पौधे मेरे पता नहीं क्यों सड़ रहे थे, बाद में उसकी खुदाई से पता चला कि सबके जड़ गल चुके हैं, उन सबको मैं अलग करके हटा ली। सूखी हुई पत्तियां हैं सबको काट काट के अलग किया। दिखाती हूँ मैंने अपने घर के आंगन में कितने सारे पौधे लगाए हैं, और ज़्यादातर पौधे मैंने एक कटिंग से दूसरे कटिंग में लगा के ही इसको बढ़ाया है। और जितने भी पौधे हैं सब लो मेंटेनेंस है। ये मेरा सूरैक है, थोड़ा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें छोटे छोटे प्लांटर में मैंने इस तरह के पौधे को लगाया है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये कैसा लगा बनाया हुआ है। ऊपर का ये पॉट भी एक DIY है। इस तरह से मैंने अपने घर के एंट्रेंस को सजा के रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर का एंट्रेंस, आपको भी अच्छा लगता होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।